अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जवाद बट, आप देख रहे हैं INN। नाजरीन, हम इस वक्त गुजरांवाला के शोहदा पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पे कच्चा रहीम यार खान के जो पुलिस वाले जो हैं शहीद हुए थे, उनके लिए एडिटर काउंसिल की ज़ेर सदारत आज जो है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए दिए जला जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से जो है दोस्त तशरीफ लाए हैं, आए उनसे इस बारे में जानते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर तलत साहब, जो कि मिली लेबर फेडरेशन के सदर हैं। आए उनसे बात करते हैं कि वो चौदह के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। हमारे शहदा हमारा असासा हैं, बेशक वो नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करते हुए या मुल्क की बैरूनी सरहदों की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश करें। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है कि शहीद का खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह पहले माफ़ फरमा देते हैं। हमारे ये शहदा पुलिस के जिन्होंने वतन अज़ीज़ में अमन आमा के क़्याम के लिए जानों का नजराना पेश किया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस मौका पर यह अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम वतन अज़ीज़ में अमन के क़याम के लिए इनके कंधे के साथ कंधा मिला के शाना बशाना आगे बढ़ते रहेंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो एडिटर काउंसिल की बॉडी है वो मौजूद है, जिनके ज़ेर सदारत ये शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम हुआ है। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी कौम हो वो अपने शोधा को अगर याद रखती है, उनको खराज तहसीन पेश करती है। एडिटर काउंसिल को हम सराहते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो काम हो रहे हैं, ये जो दुश्मन लोग हैं, ये गलत जो सिस्टम चला रहे हैं, इसको बंद किया जाए और ऐसे ताकि दोबारा ऐसी शहदा जो है ना वो शहीद ना हो सके, ऐसा हादसा ना हो सके। तो ये हमारे जितने भी अदारे हैं, हमारी पाक फ़ौज है, ये अलर्ट रहे और जितने भी बॉर्डरों के अंदर और अपने मुल्क के अंदर जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो अलर्ट रहे, ताकि इस तरह के जो दुश्मन लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर आकर अपना जो काम है वो धमाके करते हैं और खुदकुश हमले करते हैं, ये ना हो। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफार्म से कि ये हम पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ बुलंद हो, ताकि ये जो काम हो रहे हैं ये दोबारा ना हो सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम शहदा को जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे इदारों के नौजवान हैं जो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ जाते हैं, हम उनको दिल से सराहते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम दुश्मनों को ये मैसेज देते हैं कि आप कितना उभरोगे, आप जितना उभरोगे हम इंशाल्लाह ताला उतना ही आपको दबाएंगे और ख़त्म कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं, उम्मीद क्या है, हमें यकीन है कि ये जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, ये आप लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। आप लोगों का पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, वरना हमारे इदारे जो हैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही इबरतनाक मौत देंगे। जी, मैं बहुत मशहूर हूँ भट्ट साहब का, जिन्होंने अपने प्लेटफार्म से ये तमाम साफियों की आवाज़ बुलंद की। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कच्चे के इलाके में 12 शहीद हुए हैं, इनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। और हम ये दुश्मनाने को कहना चाहते हैं कि आप जितने भी जुल्म सितम कर लो, हमारे पाक फ़ौज के नौजवान, पाक पुलिस के नौजवान किसी भी के कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद। जी नाजरीन, इस वक्त शोधा पार्क में हमारे साथ ग्लोबल यूनियन जो है ग्रुप मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन कबल माचिका में शोधा पुलिस के मुलाजमीन को शहीद किया गया था, और ये बहुत बड़ा सानिया था, और इसकी मजम्मत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी पूरी ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ, मैं अपनी टीम के साथ हैं। और हमारा यही कहना है कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बुजदिल लोग करते हैं, मुल्क दुश्मन नासिर करते हैं। हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, हमारा हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा है कि इन
इस वाक़े में इबरतनाक वाक़े में जो इस्तफाक वाक़े में जो मुलवस लोग हैं मुल्क दुश्मन नासिर हैं उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरा ये भी कहना है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं, पाकिस्तान पंजाब पुलिस के साथ हैं और हम बतौर शहरी, बतौर मीडिया वर्कर, बतौर आम शहरी हम पूरी तरह तैयार हैं कि हम दुश्मन के किसी भी बुजलाना हरकत का बुरी और दिलेरी से जवाब दे सकें। नाज़रीन यहाँ पे शोधा पार्क में जो है नौजवानों का एक ग्रुप भी नज़र आ रहा है, आए उनसे जानते हैं कि वो किस सिलसिले में यहाँ पे आए। अच्छा भाईजान, बल्कि छोटे भाईजान, यहाँ पे आप सब आए हैं तो या किसी सैर तफरी के लिए आए हैं या आप भी इसी तकरीब का हिस्सा हैं? नहीं जनाब, हम यहाँ पे ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनकी दुआ खैर के लिए आए हैं, तो हम सब इनके लिए दुआ खैर करेंगे कि अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र शुक्र दे और हम यहाँ पे तशरीफ लाएँ इनकी दुआ खैर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुनिया के तमाम मुसलमान जो शहदा हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब को सैयद शहदा के सदक़े आला तरीन मरतबा अता फरमाए, और जो हमारी फोर्सेस पाकिस्तान मुल्क हमारी पाक सरजमीन पे लड़ रहे हैं, जैसे कि अभी रहीम यार खान में ये रिसेंटली वाक़ा हुआ है, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। हम इस बात पे खराज तहसीन पेश करते हैं, पुलिस को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जो शहदा हैं उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान आर्मी के हम अल्लाह ताला इनको मजीद जुरत हिम्मत अता फरमाए, जैसे कि हमारे शहदा कुछ बलूचिस्तान में शहीद हो चुके हैं, हम इनके मकरूज़ हैं, हम अपनी फोर्सेज के मकरूज़ हैं, हम चाहते हैं कि हम इनके साथ शाना बशाना लड़ें, जब हमें इजाज़त हो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तमाम साफ़ी बरदरी शाना बशाना अपनी फोर्सेज के साथ खड़ी है। नाज़रीन, जो कौमें वहीं ज़िंदा रहती हैं जो कि अपने शोधा को याद रखती हैं और उनको खराज तहसीन पेश करती हैं। आज यहाँ शोधा पार्क में आपने सभी जो एडिटर कौंसल, ग्लोबल यूनियन कौंसल और दूसरे बाकी जो शोभा हाय ज़िंदगी से दोस्त तशरीफ लाए थे उनकी बातें सुनिए, ये बहुत पॉजिटिव और मुस्बत करदार है कि भाई जो शहीद हैं वो वतन के लिए और आवाम के लिए जो शहीद होते हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तो आज की जो तकरीब थी ये सिर्फ और इसका लुबे लबाब यही है कि कोई भी जो हमारे दिफा करने वाले अदारे हैं, वो चाहे पाक फौज है या पंजाब पुलिस है, वो ना सिर्फ ये कि खराज तहसीन के मुस्तक हैं बल्कि वो हमारे साथ के भी जो है उनको ज़रूरत है और जो हम उनके साथ हैं। कैमरामैन शहजेब सरा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।